चलो लेट स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहला सबसे मेन अगर आपको समझा हुआ तो क्या हम सिर्फ पांच चीजों में पूरा खेल खेलते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। क्या कितने भी सवाल हमने किए हो सारे सवाल क्या इन पांच चीजों के आसपास ही घूम रहे थे, करेक्ट? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, इज दैट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला? पीवी रेशियो। कितने फॉर्मूले इसके? चार। पहला सबसे बेसिक, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, इज दैट क्लियर? दूसरा क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। तीसरा 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अगर वेरिएबल कॉस्ट 30% है तो पीवी रेशियो क्या रहेगा? 70%। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है तो पीवी रेशियो क्या रहेगा? 60%। कितना रहेगा? 60%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% है तो 80%। क्या उल्टा भी सोच सकते हैं, पीवी रेशियो 80% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना रहेगा? हाँ, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लोगों को टेंशन आ जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या रहेगा, तो बहुत ऑब्वियस चीज है, एनपी रेशियो क्या होता है? एनपी अपॉन सेल्स। जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी अपॉन सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, इज दैट क्लियर? लास्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला कौन सा? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अगर आपको सवाल याद होंगे तो क्या ऐसे ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब दो प्रॉफिट और दो सेल्स गिवन हो। कौन से? दो प्रॉफिट और दो सेल्स गिवन हो, इज दैट क्लियर? और क्या दो प्रॉफिट और दो सेल्स गिवन है तो क्या चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स लगा के हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? पीवी रेशियो। फिर क्या कोई भी एक सेल, एक प्रॉफिट और इस पीवी रेशियो की मदद से फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा, जिसका फॉर्मूला मैं आगे लिखवाऊंगा, आप याद है कि नहीं याद है? और एक बार फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशियो आ गया तो क्या मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो गए, इज दैट क्लियर? समझा क्या? सेकेंड, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट, एक ही बात है। कितने फॉर्मूले? दो, एक यूनिट्स में और एक वैल्यू में। एक यूनिट्स में और एक किसमें? वैल्यू में। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये किसमें निकाल के देगा? यूनिट्स में। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर देंगे तो क्या इसके मैथमेटिकल लॉजिक हम लोगों ने रेगुलर बैच में देखे हैं, किसमें निकल जाएगा? वैल्यू में। किसमें निकल जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स मतलब क्या, जिस सेल्स में प्रॉफिट जीरो हो या नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सेल को क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन सेल्स। क्या ब्रेक इवन सेल से कम सेल करोगे तो लॉस होगा, ज्यादा सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा, इज दैट क्लियर एवरीवन? सी, एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर गिवन प्रॉफिट, ये टेक्निकल लैंग्वेज में नाम हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट देके सेल्स पूछा है, हम क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट देके सेल्स। तो कौन सा फॉर्मूला? एक्सपेक्टेड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर किसमें निकालना है? यूनिट्स में। और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या? पीवी रेशियो, अगर किसमें निकालना है? वैल्यू में। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब दो बड़ी बात है, पहली बात कि यहाँ प्रॉफिट ही आएगा कि लॉस भी आ सकता है, और प्रॉफिट ऐड होता है तो लॉस माइनस होगा, पहली बात। दूसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रॉफिट अमाउंट में गिवन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, बट अगर प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन हो तो क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अगर 20% ऑफ सेल्स बोला है तो क्या ऐसे यूज होगा ना, तो हम सेल्स को क्या मान लेंगे? एक्स, क्योंकि जो भी 20% हो एक्स का ही तो लेना है कि लेना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है तो पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे उसको? परसेंटेज ऑन सेल्स। क्या उसका भी मैंने लिखवा के दिया था, अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो क्या 20% ऑन सेल्स? 33.33% ऑन कॉस्ट है तो क्या 25% ऑन सेल्स? 20% ऑन कॉस्ट है तो क्या 16.67 ऑन सेल्स? इज दैट क्लियर? बाकी 1/4, 1/5 वाली टेक्निक भी है, 100+20 मान के सॉल्व करने वाली भी टेक्निक है, करेक्ट? तो ये बात याद आई कि नहीं याद आई आपको, जल्दी बोलो। जब प्रॉफिट अमाउंट में दिया हो तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, बट जब परसेंटेज में गिवन हो तो सेल्स को क्या मानना पड़ता है? एक्स। और क्या फिर बाद में मैथमेटिकली एक्स सॉल्व करोगे तो एक्सपेक्टेड सेल्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इज एवरीथिंग क्लियर? जल्दी बोलो। उसके बाद डी, प्रॉफिट इफ सेल्स इज गिवन, इसमें उल्टा। ऊपर क्या था? प्रॉफिट देके, अब क्या रहेगा? सेल्स गिवन रहेगा, उससे हमको क्या निकालना रहेगा? प्रॉफिट। क्या निकालना रहेगा? प्रॉफिट।
क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ये सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट का भी बन सकता है? कैसे बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट का? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। और क्या ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है? किसके लिए? जब चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए? चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल। याद करो क्या, 10, 11, 11, 12 और प्रॉफिट 1,50,000, 30,000, 50,000। तो पहले तो क्या निकालेंगे हम लोग, जल्दी बोलो, पीवी रेशियो क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा? अच्छा सवाल में पूछा हो ना पूछा हो, सबसे पहले क्या निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट। गुड, क्या निकलेगा? ठीक है, कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी छोड़ के हमको क्या लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट। हमको क्या लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट। चेंज इन प्रॉफिट कितना आएगा, जल्दी बोलो, 20,000 डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स कितना आएगा, 50,000। तो कितना हो जाएगा, 40%। और कितना हो जाएगा, क्या पीवी रेशियो सबको समझा? अब क्या मैं फिक्स्ड कॉस्ट निकालूंगा, अब क्या निकालूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। क्या मैं कोई भी सेल और प्रॉफिट ले सकता हूँ? क्या पहले साल का भी ले सकता हूँ, दूसरे साल का भी ले सकता हूँ? पर याद रखना, जो सेल लेंगे वही प्रॉफिट लेना पड़ेगा। क्या एक सेल और दूसरा प्रॉफिट चलेगा क्या? नहीं सर। पर 10-11 का फिक्स्ड कॉस्ट निकालने की 11-12 का कैसे समझेगा क्या फिक्स्ड कॉस्ट है वो? 10-11 का और 11-12 का क्या रहने वाला है, सेल 1,00,000 × 40% माइनस 30,000। 10,000 फिक्स कॉस्ट आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये सेल और ये प्रॉफिट से 10,000 आएगा कि इससे भी 10,000 ही आएगा? देख लेते हैं, 1,50,000 × 40% माइनस 50,000 कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, 10,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Is that clear everyone? और कोई डाउट है क्या? क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछती है, करेक्ट? तो सबसे पहले बोलो पीवी रेशियो चारों फॉर्मूले याद हो गए, ब्रेक इवन पॉइंट के कितने फॉर्मूले, दो, फिर एक्सपेक्टेड सेल्स, इसमें क्या प्रॉफिट की जगह लॉस भी आ सकता है, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन हो तो एक्स मान के सॉल्व करते हैं, इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट टू सेल्स, मतलब क्या सेल्स दिया हो तो, सॉरी सेल्स टू प्रॉफिट, क्या सेल्स दिया हो तो प्रॉफिट निकालना, क्या दिया, सेल्स दिया हो तो प्रॉफिट निकालना, क्या फॉर्मूला है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। बट क्या यही फॉर्मूला पलट के क्या बन सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट का, ये फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ गया और प्रॉफिट यहाँ आया, तो क्या प्रॉफिट इज इक्वल टू, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, इज दैट क्लियर एवरीवन? समझा क्या? क्या मैंने एक सवाल भी सॉल्व करके दिखा दिया फटाफट आपको, राइट? नेक्स्ट क्या आएगा बोलो फटाफट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लॉजिकली क्या ब्रेक इवन सेल्स से ऊपर जितना भी सेल्स कर रहे हो आप उसको क्या बोला जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या बोला जाता है, इज दैट क्लियर? तो क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। क्या जब भी परसेंटेज दिया हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वो किस पे लगता है, एक्चुअल सेल्स पे, ब्रेक इवन सेल्स पे नहीं। अगर 10% इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो किसका, ब्रेक इवन सेल्स का कि एक्चुअल सेल्स का? गुड, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी के मैथमेटिकल भी दो फॉर्मूले, एक प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये किसमें निकाल के देगा, यूनिट्स में, और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये किसमें निकाल के देगा, वैल्यू में, किसमें निकाल के देगा बच्चों, ये इज दैट क्लियर एवरीवन? सारे फॉर्मूले याद हो गए, कोई डाउट है, पक्का? इसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका नाम क्या था, गुड, वेरी गुड, क्या नाम था, की फैक्टर, क्या नाम था, क्या जिस चीज की क्या होती है शॉर्टेज, उस चीज को क्या बोला जाता है, और अगर जो चीज की शॉर्टेज या जो चीज की फैक्टर है क्या उसी बेसिस पर रैंकिंग दिया जाता है कि कौन पहले बनेगा कौन बाद में बनेगा? की फैक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, शॉर्टेज है, नहीं शॉर्टेज है तो क्या होगा, क्या सारे प्रोडक्ट्स पूरे बन पाएंगे कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? अगर मैं ABC तीन प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ तो क्या सबके सब यूनिट्स बनेंगे कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा? अरे एक ना कोई क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज, मतलब जितना चाहते उतना बना नहीं पाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्रोमाइज। तो हमको पूरी मेहनत ही किस बात में करने वाले हम लोग कि किसको कॉम्प्रोमाइज करना है और किसको पहले बनाना है, उसी को तो क्या स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलता है? तो क्या जो की फैक्टर है कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर पर रैंकिंग दी जाती है, किस रैंकिंग दी जाती है, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर पर, ध्यान से देखना, भी दो स्टेटमेंट्स बनते हैं, कितने, दो, पहला स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग,
समझो कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तीन। सबसे पहले क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सब कुछ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, की फैक्टर, क्या लिखेंगे, और फिर क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, फिर क्या लास्ट में क्या आएगा रैंक। अगर ये पांच आया है, ये आठ आया है और ये तीन आया है तो किसको रैंक पहला जाएगा, फिर रैंक टू और फिर रैंक थ्री। इसका क्या मतलब रैंक का, सबसे पहले कौन बनेगा बी, फिर जो माल बचेगा उससे कौन बचेगा और फिर भी अगर जो माल बचेगा उससे सी। सी पूरा बन पाएगा कि थोड़ा ही बन पाएगा, क्या सी के अगर 5000 यूनिट्स हम बेच सकते हैं तो पूरे 5000 बनेंगे कि 4000 ही बनेंगे, मतलब नॉट एग्जैक्टली 4000, यू नो दैट, कि 5000 से कम बनेंगे। अगर सी भी 5000 पूरा बन जाए तो की फैक्टर रहा ही नहीं, फिर तो हमारे पास सफिशियंट हो गया कि नहीं हो गया, समझा कि नहीं। क्या की फैक्टर रॉ मटेरियल रह सकता है, की फैक्टर रॉ मटेरियल रह सकता है ना, क्या की फैक्टर लेबर आवर्स भी रह सकता है, की फैक्टर लेबर आवर्स भी रह सकता है, क्या की फैक्टर यूनिट्स भी रह सकता है, और क्या की फैक्टर सेल्स भी रह सकता है, वैल्यू भी रह सकता है ना। अब दो बड़ी बात है, अगर यूनिट्स ही क्या है की फैक्टर तो डिसीजन सीधा किस पे से आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर, किस पे आ जाएगा। और जब बोलते हैं कि सेल्स वैल्यू में की फैक्टर है, सेल्स किसमें, तो हम लोग की फैक्टर किसको मानते हैं, किसी को याद है क्या, सेलिंग प्राइस को, किसको मानते हैं सेलिंग प्राइस, ये दो बहुत ही बड़ी चीज है, किसको मानते हैं सेलिंग, फिर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर से रैंकिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इज दैट क्लियर एवरीवन। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कौन सा बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। पहला प्रोडक्ट, दूसरा यूनिट्स, तीसरा वेरी गुड की फैक्टर, और चौथा कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्सीलेंट। क्या यहां पे उसी सीक्वेंस में लिखेंगे हम लोग, ए बी सी। अब किसका रैंक फर्स्ट था, बी का, किस सेकेंड और थर्ड, करेक्ट है ना, तो क्या बी के पहले सारे यूनिट्स लिख देंगे हम लोग, क्या उससे लगने वाला की फैक्टर भी लिख देंगे हम लोग, क्या सी के भी ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स लिख ही देंगे, फिर उसके भी की फैक्टर लिख देंगे ना, बट अभी ए के पहले यूनिट्स लिखे जाएंगे कि पहला की फैक्टर लिखा जाएगा, क्यों पहला की फैक्टर, क्योंकि वो सारे बनने वाले की कम बनने वाला है, तो क्या ये टोटल अवेलेबल, इसमें से दोनों क्या कर देंगे माइनस, तो जो बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे कि लिखेंगे, और क्या फिर रिवर्स कर वर्किंग करके पता करेंगे कि इसके कितने यूनिट्स बनेंगे, इज दैट क्लियर, अरे याद है कि नहीं, फिर क्या ये यूनिट्स पता चल गए, यहाँ पे क्या पता है हमको ऑलरेडी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या इंडिविजुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा कि निकल जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्या कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिर क्या आ जाएगा प्रॉफिट, और क्या इसका मैंने एक ही दिन में पूरे की फैक्टर पढ़ा दिया था, आपको याद होगा था कॉन्सेप्ट भी, और दो क्वेश्चन थे ना आपको सारा, क्या दोनों, क्या उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, किसका की फैक्टर, अगर किसी का मार्जिनल कॉस्टिंग छूटा होगा और की फैक्टर भी छूटा होगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं भी देखा होगा तो चलेगा, सीधा क्या देख, कौन सा वाला लेक्चर देख सकते हो, की फैक्टर, उसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन, और की फैक्टर समझा क्या। अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं तो कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट तो क्या वही पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट देखे सेल्स या सेल्स देखे प्रॉफिट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फॉर्मूले कितने हो गए पांच, एक फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला भी याद रखना, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, एक्चुअली प्रॉफिट के फॉर्मूले को मैथमेटिकली उल्टा पुल्टा किया ना हम लोगों ने, इज दैट क्लियर एवरीवन। और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, की फैक्टर, कौन सा है की फैक्टर, इज दैट क्लियर, कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी, पक्का। सो हमारा कौन सा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हुआ, व्हाई ऑलमोस्ट, मॉड्यूल बाकी है, तो हम लोग एक मॉड्यूल का सेशन रखेंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग भी करेंगे, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगेन आई रिपीट, दो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो माने जाते हैं, जब हम पहले ही खत्म करते रहे, एक मार्जिनल कॉस्टिंग और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नहीं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब मेरे को पढ़ाते आता है कि नहीं आता है, अभी आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है, चलो बाय बाय।